और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल SSP Guidance। आज हमारी वीडियो नंबर 4.5 है। वीडियो नंबर 4.4 में हमने GDP और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था कि GDP मार्केट प्राइस पर क्या होता है, GDP फैक्टर कॉस्ट पर क्या होता है। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं या कोई डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो मार्केट प्राइस पर भी होती है और वो फैक्टर कॉस्ट पर भी होती है। ये सारे टर्म्स थे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो GDP से ही रिलेट करता है। हमने पढ़ा था GDP को हम मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, बट जब GDP को प्राइसेस पर कैलकुलेट किया जाता है तो वो प्राइसेस कौन से होंगे। उसी प्राइसेस के बेस पर GDP को दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक तो आता है रियल GDP और एक आता है इसके अंदर दूसरा जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल GDP या फिर इसका दूसरा नाम होता है मॉनेटरी GDP। ये जो दोनों टॉपिक आज हमारे हैं, आज हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। चलो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। पहले सबसे पहले आता है रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या है। अगर मैं रियल GDP की बात करूं तो GDP क्या होता है, हम उसे दो तरीके से वैल्यूड कर सकते हैं। भाई देखो, GDP में जो प्राइसेस लिए जाते हैं वो प्राइसेस हमें दो डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। अगर मैं कहता हूं मान लो हमारा ईयर 2020 चल रहा है और 2020 में हम GDP कैलकुलेट करना चाहते हैं और हम प्राइसेस भी 2020 के लेकर चलते हैं तो कहा जाएगा GDP को करंट ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट किया गया है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, प्राइसेस हमने कौन सी ईयर के लिए, करंट ईयर के। अगर GDP को करंट ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट किया जाता है तो कहा जाता है वो जो GDP है वो हमारी कौन सी GDP होगी, नॉमिनल। बट अगर मैं कहता हूं कि GDP की वैल्यूएशन हमने करंट ईयर के प्राइसेस पर नहीं करी, हमने GDP की वैल्यूएशन एक बेस ईयर के प्राइसेस पर करी। फॉर एग्जांपल हम 2020 में GDP तो निकाल लें, बट हमने प्राइसेस जो लिए वो GDP के लिए वो हमने 2020 के नहीं लिए, हमने प्राइसेस यूज करी 2004, 2008, 2012, कोई भी एक ऐसा ईयर उठा लो जो ईयर एक बहुत स्टेबल माना गया हो। स्टेबल का मींस क्या है, एक ऐसा ईयर माना गया हो जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस प्राइसेस में बहुत ही नोशनल रहे हो। अगर प्राइस किसी ईयर के अंदर प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा रहे हैं, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, प्राइस बहुत ज्यादा घटे हैं, तो ऐसे ईयर को कभी भी बेस ईयर नहीं लिया जाएगा। बेस ईयर हमेशा प्राइसेस के लिए बिल्कुल स्टेबल ईयर होना चाहिए। तो जब GDP को किसी भी बेस ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो हमारी सेकंड GDP होगी, जिसे नाम दिया जाएगा रियल GDP। तो हम दो तरीके की GDP की वैल्यूएशन करेंगे, जिसमें एक तो होगी नॉमिनल GDP और दूसरी होगी इसके अंदर रियल GDP। नॉमिनल को हम मॉनेटरी GDP भी कहते हैं, ठीक है। तो GDP के बारे में पढ़ते हैं, GDP दोनों एक्चुअल में है क्या। नॉमिनल GDP और रियल GDP, इन दोनों में एक टर्म तो कॉमन है और वो कॉमन टर्म है GDP। वो हमें कैलकुलेट कैसे करनी है उसके बेसिस पर ही इनको नॉमिनल और रियल का नाम दिया गया है। बट सबसे पहले GDP है और GDP हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज के फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो भी वैल्यू होती है जो मार्केट में सेल करी जाती है, मैं मार्केट वैल्यू कह सकता हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इज नोन एज GDP एट MP। क्योंकि हमने मार्केट वैल्यू लिखा है इसलिए हमने उसे GDP एट MP का नाम दिया। हम उसे GDP कह रहे हैं मार्केट प्राइस पर टोटल प्रोडक्शन की जो भी मार्केट वैल्यू होगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर, उसको GDP कहा जाता है। बट वो जो प्रोडक्शन की वैल्यू है उसका हमें मार्केट वैल्यू लेकर चलनी है और वो मार्केट वैल्यू कौन से ईयर की होगी, इसी बेसिस पर उसे या तो नॉमिनल कहा जाएगा उसे या फिर रियल कहा जाएगा। देखो, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, जहां तक मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा से शो कर रहा हूं, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज Produced within the domestic territory of a country during an accounting year। Actually, में इतना पार्ट तो ये था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि GDP ही होती है। हमारी इंडियन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी पर जो भी प्रोडक्शन किया गया है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर्स के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया गया है उनके फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को अगर हम सम कर दें और उसको हम कैलकुलेट करें किस पर, मार्केट वैल्यू पर, तो वो एक्चुअल में हमारे लिए GDP है। बट अगर इस GDP के लिए जो मैंने मार्केट वैल्यू ली, मार्केट वैल्यू का मतलब मार्केट के प्राइसेस, तो मैं मार्केट प्राइसेस की बात कर रहा हूं, अगर मैं इन प्राइसेस को एज एस्टिमेटिंग यूजिंग करंट ईयर प्राइस, ये चीज ध्यान रखना, GDP अगर हम निकालते हैं नॉमिनल बेसिस पर तो नॉमिनल GDP क्या कहती है कि GDP की वैल्यूएशन जब तुम करोगे, कंट्री के प्रोडक्शन की जब तुम वैल्यू निकालोगे तो वो कौन से ईयर के प्राइसेस पर होगी, सिर्फ करंट ईयर के प्राइसेस पर। इसलिए नॉमिनल GDP को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मॉनेटरी GDP क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू में ये चेंज करेगा, और दूसरा इसको नाम दिया जाता है GDP एट करंट प्राइस क्योंकि ये हमारे
जीडीपी की जो वैल्यूएशन करवाती है वो करंट ईयर के प्राइसेस के बेस पर करवाती है। बट अगर मैं सेकंड वाले टर्म की बात करूं तो इसमें भी सेम है, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, ये भी सेम है, वही जीडीपी है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहां तक तो जीडीपी की वैल्यूएशन है, वही जीडीपी वाली डेफिनेशन है, बट इसका जो एस्टिमेशन होगा वो किस पर होगा, एज एस्टिमेट इसका जो एस्टिमेशन करा जाएगा वो किस पर करा जाएगा, यूजिंग बेस ईयर प्राइस। सिर्फ दोनों में यही डिफरेंस आ जाता है, जीडीपी की डेफिनेशन दोनों में सेम है। इसको नॉमिनल इसलिए कहा गया या मॉनेटरी इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो मनी वैल्यू है वो किस पर कैलकुलेट की गई, करंट ईयर पर। करंट ईयर पर सिर्फ मॉनेटरी चेंजेस आते हैं, मैं इसका रीजन अभी बताऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। अभी इतना समझो कि करंट ईयर के बेसिस पर जो है मॉनेटरी चेंजेस आएंगे और मॉनेटरी चेंजेस की वजह से इसको मॉनेटरी जीडीपी का नाम भी दिया जाता है। बट अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में जीडीपी की वैल्यूएशन बेस ईयर के प्राइस पर की जाती है। अगर मैं 2020 में एग्जिस्ट करता हूं और 2004 के प्राइस ले रहा हूं तो क्या मैं 2004 के प्राइसेस को आज चेंज कर सकता हूं? नहीं, वो प्राइसेस कैसे हैं, कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए उसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है। जीडीपी एट करंट प्राइस जो करंट ईयर के प्राइसेस पर होगी और ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो रियल जीडीपी का एक दूसरा नाम होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। थर्ड, इसके बाद अगर मैं चेंज की बात करूं तो इट कैन इंक्रीज। अब ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना, इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइजेस। चलो इससे पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम 2020 में एग्जिस्ट करते हैं, मैं नीचे एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। हम 2020 में एग्जिस्ट करते हैं और 2020 में हमारे पास दो चीजें होंगी, एक पी और एक क्यू। पी का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्यू का मतलब है आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट। ये मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूं, ये मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। 2020 एक्चुअल में हमारे लिए एक करंट ईयर है, ये हमारे लिए एक करंट ईयर है। और अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो करंट ईयर में प्राइसेस भी चेंज हो सकते हैं, करंट ईयर में प्राइसेस भी चेंज हो सकते हैं और करंट ईयर में क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। मतलब करंट ईयर में अगर हम देखें तो प्राइसेस में भी चेंज आ सकता है, क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है। अब अगर मैं अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन की वैल्यू चेक करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल 2019 में जो प्रोडक्शन किया गया था वो 1000 यूनिट्स का किया गया था और 2019 में जो प्रोडक्शन के प्राइसेस की वैल्यू थी वो 100 रुपए थी। अगर मैं 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आई 1 लाख रुपीज। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं। फिर हमने 2019 के बाद 2020 में हमने इसमें कुछ चेंज करा। फॉर एग्जांपल 2020 में हमें यह पता लगा कि प्रोडक्शन जो है वो पहले से इंक्रीज हो गया है, प्रोडक्शन 1000 की जगह कितना हो गया 2000 यूनिट्स, जबकि प्राइसेस जो थे ना वो कांस्टेंट रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइसेस कांस्टेंट, पिछली मतलब लास्ट ईयर से करंट ईयर में जब हमने चेक करा कोई इन्फ्लेशन नहीं आया था, प्राइसेस में कोई इंक्रीज में इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, इसका मतलब प्राइसेस कांस्टेंट रहे। और जब प्राइस कांस्टेंट रहे तो इसकी वैल्यूएशन 100 पर ही हुई और जब 100 पर हमने वैल्यूएशन करी तो जो जीडीपी की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 लाख रुपीज। पहले केस में जीडीपी की वैल्यू थी 1 लाख और दूसरे केस में जीडीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख से कितनी होगी, 2 लाख रुपीज। ये क्या शो करता है, करंट ईयर के प्राइसेस को जो हमने इंक्लूड करा, हमने प्राइसेस को बेशक कांस्टेंट रखा है, हम ये मानकर चल रहे हैं करंट ईयर में प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तब भी जीडीपी में चेंज हुआ। हाँ, बट ये जीडीपी में होने वाला चेंज वेल एंड बेटर माना जाता है। रीजन, क्योंकि करंट ईयर में प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो पहले से इंक्रीज हो गई है, प्रोडक्शन तब बढ़ा होगा जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर को बढ़ाया गया होगा। तो एक तरीके से कहा जाता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जीडीपी के जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ाना ही ज्यादा बेटर माना जाएगा। बट एक कंडीशन ये भी हो सकती थी कि 2019 में जब हमने जीडीपी देखी तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये 1 लाख रुपीज थी पहले वाले एग्जांपल के तरीके से, बट जब हमने 2020 में इसका मेजरमेंट देखा तो प्रोडक्शन तो हमने कितना करा, 1000 यूनिट का मल्टीप्लाई बाई, जबकि इस बार प्राइस कितना था, 100 रुपए से बढ़कर प्राइस मान लो कितना हो गया, 200 रुपए। एक्चुअल में इस बार जीडीपी की वैल्यू कितनी आई, 2 लाख रुपए। ये जो जीडीपी यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज हुई है वो किस रीजन की वजह से हुई, क्योंकि प्राइस में चेंज हुआ। मैं करंट ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर ही जीडीपी की वैल्यूएशन कर रहा हूं और अगर मैं करंट ईयर के प्राइसेस पर जीडीपी की वैल्यूएशन करता हूं तो एक दिक्कत यहां से राइज होती है कि हो सकता है जीडीपी की वैल्यू बढ़ती हुई हमें नजर आए जबकि प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्शन जो है वो हमारा कांस्टेंट बना रहा। और अगर प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा तो हमारी सोसाइटी के वेलफेयर का यहां पर कोई भी एक पॉजिटिव मेजरमेंट इसको नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब हम जीडीपी को करंट ईयर के प्राइसेस पर निकालते हैं तो चाहे ये इंक्रीज हो सकती है इफ
प्राइस लेवल राइजेस, ये तब भी इंक्रीज हो सकती है अगर प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द अगर इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता और प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो भी हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी का लेवल बढ़ सकता है। और एक्चुअल में अगर जीडीपी का लेवल बढ़ गया तो ये किस वजह से बढ़ा, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की वजह से, सिर्फ प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से, मनी की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से ये जीडीपी बढ़ी है। इसी वजह से इसको फाइनली एक नाम दिया जाता है जिसको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, मॉनेटरी जीडीपी। बट अगर मैं सेकंड वाले टर्म की बात करूं तो रियल जीडीपी कहता है कि जीडीपी को एक बेस ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट करा जाएगा, और जब हम बेस ईयर के प्राइस लेते हैं तो हम बेस ईयर के प्राइस में चेंज नहीं कर सकते, यहां पर सिर्फ आउटपुट के लेवल में चेंज होता है। और अगर आउटपुट के लेवल में चेंज होगा तो ये सिर्फ प्रोडक्शन के चेंजेस को शो करता है, इसलिए रियल जीडीपी को हमारी कंट्री के सोशल वेलफेयर के लिए सबसे परफेक्ट मेजरमेंट माना जाता है। तो अगर हम यहां की बात करें तो इट कैन इंक्रीज, इंक्रीज होता है ओनली व्हेन, ये सिर्फ कब इंक्रीज होगा, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी, जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हमारी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो तीसरा पॉइंट ये क्या बताता है कि किस चीज में चेंज होगा। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करता हूं तो नॉमिनल जीडीपी प्राइसेस और आउटपुट दोनों की वजह से इंक्रीज हो सकती है, बट अगर मैं रियल जीडीपी की बात करता हूं तो रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के लेवल की वजह से ही इंक्रीज होती है। लास्ट मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये इट इज नॉट ए गुड मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर, जो नॉमिनल जीडीपी है वो वेलफेयर का गुड मेजरमेंट नहीं माना जाता, जबकि रियल जीडीपी को इट इज ए गुड मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर, इसको एक वेलफेयर का बेटर मेजरमेंट माना जाता है। तो ये हमारा क्या था, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट जो इससे अलग मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी हमें देखने में क्या बता रही है, जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा था 2019 के कंपैरिजन में 2020 में जब जीडीपी कैलकुलेट करी तो वो प्राइसेस में चेंज की वजह से इंक्रीज हुई थी। हमें तो ये लग रहा है कि हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, हमारी कंट्री की जो एक वर्ल्ड लेवल पर जो रेपो है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है, बट इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, यहां पर एक इल्यूजन जनरेट हो रहा है पब्लिक के सामने। इल्यूजन जनरेट क्या हो रहा है कि रियल में जीडीपी जो बढ़ रही है ना वो प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ रही, और रियल में जो जीडीपी होनी चाहिए वो प्रोडक्शन की वैल्यू से होनी चाहिए। यहां सिर्फ मनी की या फिर मैं कह सकता हूं या फिर प्राइस के लेवल इंक्रीज होने से जीडीपी की वैल्यू बढ़ी है। तुम्हारी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी, तो महंगाई की वजह से भी जीडीपी बढ़ती है, और जब महंगाई की वजह से यहां पर जीडीपी बढ़ी, प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी बढ़ी, तो हमारी कंट्री में एक मनी का इल्यूजन भी जनरेट हो जाता है। तो ये कहा जाता है जो नॉमिनल जीडीपी है ये नॉमिनल जीडीपी एक तरीके का इल्यूजन जनरेट करेगी जिसको नाम दिया जाएगा मनी इल्यूजन, मनी इल्यूजन। इसे मनी इल्यूजन क्यों कहा गया, मैं उसका रीजन बता चुका हूं। मोनोमिनल और रियल जीडीपी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत बार होता है, जो पूछा जाता है, एक एक नंबर में क्वेश्चंस भी इससे कई बार आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि नॉमिनल क्वेश्चन आता है कि जीडीपी जो नॉमिनल है उसके लिए कौन से ईयर के प्राइजेस लिए जाते हैं, या रियल जीडीपी के लिए कौन से ईयर के प्राइजेस लिए जाते हैं, नॉमिनल जीडीपी में या रियल जीडीपी में चेंजेस कब होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे टॉपिक से बन सकते हैं। क्लियर? चलो आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।